श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। कैसे हैं आप, यह बताने के लिए हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी के रोजाना ढेरों प्रश्न मेरे पास आते हैं कि पशुपति व्रत किस शुभ दिन से हमें शुरू करना चाहिए, क्या कोई विशेष दिन होता है। तो आज आपके उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। परंतु वीडियो पर चलने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपके लिए लाभप्रद होता है, आपको अच्छी जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियोस तो आप देखते हैं परंतु चैनल को कई बार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो बेल बटन दबा के शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। पशुपति व्रत किस शुभ माह से आपको शुरू करनी चाहिए जिससे कि उत्तम फल व्रत का आपको मिले। तो शास्त्रों में चार माह बताए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा विशेष होते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माने जाते हैं शास्त्रों के अंतर्गत। तो प्रथम माह है चैत मास, जिससे कि नववर्ष प्रारंभ होता है। तो आप चाहें तो चैत मास में अपने पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो अति शुभ महीना माना जाता है, जो कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, वह है सावन का महीना यानी श्रावण मास। आप इस माह में पशुपति व्रत को कर सकते हैं। उसके बाद माघ मास और कार्तिक मास, यह दो महीने भी बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम बताए जाते हैं। यदि आप इन माह के दौरान आप व्रत करते हैं तो आपको उनका बहुत ही अति उत्तम फल मिलता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसीलिए चैत मास, श्रावण मास, माघ मास, कार्तिक का जो माह है, इन्हें बहुत ही ज़्यादा अति शुभ और उत्तम फलदायी बताया गया है शास्त्रों और पुराणों में। इसके बाद यदि आप इन माह में व्रत नहीं कर सकते या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी मेरी पूर्ण हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में आप अपने व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हम शुक्ल पक्ष में ही व्रत क्यों करें, क्या हम कृष्ण पक्ष में व्रत नहीं कर सकते। तो देखिए, इसके पीछे की मैं आपको मान्यता बता देती हूँ। जो कृष्ण पक्ष होता है, यानी कि कृष्ण पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। मान्यता के अनुसार जब भी कृष्ण पक्ष आता है तो उस दौरान कोई भी शुभ कार्य को करना उचित नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। दरअसल इसके पीछे चंद्रमा की घटती हुई कलाएँ होती है। पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे चंद्रमा घटता है, यानी कि चंद्रमा कलाहीन होना शुरू हो जाता है, यानी चंद्रमा का प्रकाश कमजोर होने लगता है। चंद्रमा के आकार और प्रकाश में कमी आने से रातें अंधेरी होने लगती हैं, यानी कि चंद्रमा कलाहीन होना शुरू हो जाता है। इस कारण से कृष्ण पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना उत्तम नहीं माना जाता, यानी वह शुभ फलदायी आपके लिए नहीं होता है। तो अब बात आती है, जब हम कृष्ण पक्ष में व्रत नहीं करेंगे तो हम फिर क्या करेंगे। शुक्ल पक्ष, आप शुक्ल पक्ष में अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं। अमावस और पूर्णिमा के बीच के जो दिन होते हैं, जो भाग होता है, उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस के बाद 15 दिन को हम हमेशा शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस के अगले ही दिन से चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है व अंधेरी रात चंद्रमा की रोशनी में चमकने लगती है। पूर्णिमा के दिन चांद बहुत बड़ा और रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि 16 कलाओं से सुशोभित होता है हमारा चंद्रमा। इस समय में चंद्रमा बहुत ज़्यादा बलशाली होता है और पूरे आकार में रहता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए इस पक्ष को अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो मेरी सलाह आपको यही है, जब भी आप व्रत करें, जब भी आप व्रत का संकल्प लें, तो आप शुक्ल पक्ष में ही संकल्प लें, जिससे कि आपके व्रत का पूर्ण फल आपको मिले, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, क्योंकि पुराण और शास्त्रों में शुक्ल पक्ष का बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम महत्व बताया गया है। और यदि देखिए आप शुक्ल पक्ष में भी नहीं चाहते, आप कृष्ण पक्ष में भी नहीं चाहते, तो जो मैंने आपको चार मास बताए हैं आप उनमें व्रत कर सकते हैं, चैत मास, श्रावण मास, माघ मास, कार्तिक मास। और अगर कोई आपका ऐसा कार्य है जो आपको बहुत जल्दी लगता है कि मेरा ये कार्य हो ही जाना चाहिए, तो फिर मेरा आपको एक सुझाव है, आप किसी भी सोमवार से, जो भी आपको सोमवार शुभ लगता है, जिस सोमवार के अंदर प्रदोष आ जाए या सोमवार की अष्टमी आ जाए, आप उस सोमवार से भी व्रत को प्रारंभ कर सकते हो, क्योंकि शास्त्रों में इन दिनों की भी बहुत ज़्यादा महत्वता मानी गई है, जिसमें शिवरात्रि पड़ जाए, जिसमें प्रदोष पड़ जाए या जिसके अंदर सोमवार की अष्टमी आ जाए। तो आप कोई सा भी शुभ दिन देखकर सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हो, और यदि आप नहीं चाहते हो तो फिर आप किसी भी सोमवार से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक दिन भगवान का होता है।
तो अगर आपको लगता है कि मेरी जो कोई कामना है मैं सब्र नहीं कर सकती, मेरे पास इतना समय नहीं है व्रतों को लंबा खींचने का या रखने का, क्योंकि देखिए चैत्र मास, श्रावण मास, माघ मास, कार्तिक मास, इन सबको आने में देखिए कुछ समय होता है, तो जो मैंने आपको बताया आप शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में कर सकते हो, नहीं तो आप प्रदोष, शिवरात्रि, किसी भी विशेष दिन पर कर सकते हो। और यदि ये भी आपको नहीं मिलते तो आप भगवान का नाम लेके भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आप किसी भी सोमवार से अपना पशुपति व्रत प्रारंभ कर सकते हो। परंतु मेरी सलाह आपको एक ही रहेगी, आप व्रत शुक्ल पक्ष के करें तो अति उत्तम होगा। तो आशा करती हूँ आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस एक वीडियो के अंदर मिल गए होंगे कि आपको किस दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छी जानकारी मिली हो, तो नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ज्ञानवर्धक और आपकी जानकारी के मुताबिक वीडियो लाती रहती हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शिव भक्ति बार परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।